अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान अदीब और आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि आप इमेजिनोमिक जो है सॉफ्टवेयर या प्लग या फिल्टर आप जो है डॉ फोटोशॉप के लिए कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको कैसे यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर तीन प्लग मिलेंगे, यानी कि तीन सॉफ्टवेयर मिलेंगे। यहाँ पे आप उनका नाम पढ़ सकते हैं, नॉइस वेव और ये पता नहीं दो तीन, यहाँ पे तीन है हमारे पास। और इस पूरे तीनों को मिला के इसको जो एक ही कंपनी ने बनाया उसका नाम है इमेजिनोमिक। तो इसमें आपको तीनों प्लग मिलेंगे, तो इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने यूआरएल में टाइप करना है salmanadeeb.vexsite.com/photoshop। तो आप जैसे ये टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट आएगी। आपने इस वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर टू स्टार्ट, आपने इंटर टू स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस वेबसाइट पे आपको फ़ोटोशॉप के मुतालिक काफ़ी सारा डाटा मिल जाएगा। तो हमें चाहिए प्लग्स, तो हम यहाँ पे प्लग्स पे क्लिक कर देते हैं और इसके अंदर हम प्लग ढूंढ लेते हैं। आज हमारा जो प्लग था इमेजिनोमैजिक इस तरह से है कुछ इसका नाम। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसका थंबनेल। तो आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाउनलोड प्लग सेटअप। तो यहाँ पे इस पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ ओपन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक ऐड ओपन होगी जो 5 सेकंड की ऐड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेकंड चल रहे हैं, तो ये 5 सेकंड की ऐड है। हमें वेट करने के बाद यहाँ पे स्किप ऐड पे क्लिक करना है। स्किप ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू टैब ओपन होगा। और आपको फिर बताता चलूँ कि आप जो चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिएगा क्या वही है। तो यहाँ पे जो चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं उसका नाम सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर तो वही है तो आप डाउनलोड कीजिएगा, वरना इस तरह के वायरस वगैरह जो है आजकल बहुत से ऑटोमेटिक एड्स ओपन हो के वहाँ पे इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा वही सेटअप है जो हमने डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद ये सेव करने का पूछ रहा है, तो हम इसको जो डिफ़ॉल्ट जो इसकी पहले से जगह बनी हुई है वहीं पे सेव कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास नीचे यहाँ पे ये आ चुका है, तो हम यहाँ पे इसके एरो पे क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये इमेजिनोमैजिक आ गया है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हर कर देंगे। एक्सट्रैक्ट हर करने के बाद यहाँ पर हम फिर ढूँढेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया ये, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखें तीन यहाँ पे हमें फोल्डर मिल जाते हैं, तीनों के नाम भी नीचे लिखे हुए हैं। यानी इस एक के अंदर आपको तीन प्लग मिलेंगे, तीन फिल्टर मिलेंगे। ये इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा या इसमें आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। ये भी बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, इस पर भी आप एक क्लिक करते ही अपनी स्क्रीन को जो है सॉफ्ट बना सकते हैं और ये दाने वगैरह जो है इससे एक क्लिक पर ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास यह फोटो पहले से प्लग इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल है, यहां पे आप देख सकते हैं पहले से प्लग इमेजिनोमैजिक जो भी है वो इंस्टॉल नहीं है। तो आप इंस्टॉल करते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो मैं आपको इसमें हल करके बताऊँगा। अगर आपके यहाँ पर शो नहीं हो रहे प्लग्स तो आप इंस्टॉल कर लेते लेकिन शो नहीं होते, उनको कैसे सेट करना है वो भी इसमें आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपने फ़ोटोशॉप को बंद कर लेना है और फिर भी फ़ोटोशॉप की कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे इसको ये यहाँ पे पड़ा हुआ है इसकी की वगैरह अगर आपको यूज़ करनी आती है ठीक है, वरना आपको इस चैनल पे इसका नहीं मिलेगा वीडियो क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। और इसको मैं आपको पेज पर आपको बता दूँगा, पेज पर आपको इसकी वीडियो वगैरह मिल जाएंगी। तो इसमें मैं सिर्फ आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना बताऊँगा। यहाँ पर मैं ओके करके यहाँ पर
यस करके आते हैं तो हमारे पास सेटअप ओपन होता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एक हो गया हमारे पास इंस्टॉल, और यहाँ पे ये दो पड़े हुए हैं, ये दो वर्जन है लैदा लैदा, लेकिन ये सेटअप एक ही है। तो हम यहाँ पे जो मर्ज़ी कर लें तो दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है इसकी जो है ये भी पहले कौन सा आया था बाद में कौन सा आया। तो जो अब जो लेटेस्ट है मैं वो वाला इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर ये भी इंस्टॉल हो गया, ये देखें 23:30 है, ये 327 बल्कि ये वाला अच्छा था। लेकिन आपको जो चाहे जो उनसा अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, ये काम सारे करते हैं। उसके बाद तीसरा और आखिरी हमारा रह गया ये वाला, इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। और इसको ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया, बहुत छोटा से सॉफ्टवेयर हैं। ये तीन हो गए इंस्टॉल। और अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करके देख लेंगे क्या हमारे पास यहाँ पर फोटोशॉप में प्लग्स आ रहे हैं या नहीं है। तो यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये निकॉन का हमने जो इंस्टॉल किया था वो वाला आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कोई तस्वीर ओपन करेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा। यहाँ पे ये तस्वीर ओपन होगी और अब हमने जाना है फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है निकॉन का आ रहा है और सिर्फ ये स्किन फाइनर आ रहा है। हमने जो इमेजिन वाले यानी कि जो अभी हमने डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे। तो वो कैसे लाने हैं, सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप को बंद करना पड़ेगा। फ़ोटोशॉप को बंद करने के बाद हमें जो है दोबारा हम वही फ़िल्टर वाला ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं डाउनलोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम में, सॉरी यहाँ पे मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे हमने अभी अभी ये तीन इंस्टॉल किए हैं, तो मैं इसको किसी को भी एक को ओपन करूँगा, यस करूँगा, नेक्स्ट करके। यहाँ पे हमने सिर्फ ये एड्रेस चेक करना है, आपने इंस्टॉल नहीं करना। ये एड्रेस चेक करने के बाद इसको हमने कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी से इसको बंद कर देना है। और यहाँ पे ऊपर जो इसका जो ये जो आपने टैब ओपन किया है इसका जो यूआरएल है यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर देना है। और ये जो एड्रेस हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है इंस्टॉल कहाँ पे हुए हैं, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो आ नहीं रहे, वरना हम राइट क्लिक करके इसके जो है लोकेशन पे जा सकते थे। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको ओपन करेंगे और आपने यहाँ पे ऊपर देख लेना है, यहाँ पे बैक जाना है, हमने एक बैक जाना है, ये इसका फोल्डर है, ये हमारे तीनों प्लग आ गए। तो इन तीनों को हम ये देखें, उसके बाद हमने एक और बैक जाना है ताकि हमें जो है ये इमेजिनो मैजिक जो भी सॉफ्टवेयर है इसका हमें यहाँ पे फोल्डर मिल जाए। ये हमें फोल्डर मिल गया, तो इसको आप देख लेंगे कहाँ से। अब मैं वैसे ओपन करके दिखा देता हूँ ये है कहाँ पे। हम जाएंगे सी के अंदर, सी के अंदर जाने के बाद हमने जाना है प्रोग्राम फाइल। यहाँ पे आप देख सकते 86 में जाना है, एक अकेली प्रोग्राम फाइल है उसमें नहीं जाना, आपने प्रोग्राम 86 में जाके यहाँ पर आपने ढूँढना है इमेजिनो मैजिक। तो आपने इसको ओपन कर लेना है, सॉरी ओपन नहीं करना, आपने जो फोल्डर देखा है इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने कट नहीं करना, कॉपी करना है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद अब हम चले जाते हैं एडोब फोटोशॉप के प्लग्स में, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कहाँ से मिलेंगे। आपने जाना है प्रोग्राम फाइल में, उसके बाद जाना है एडोब में, एडोब में जाने के बाद फोटोशॉप में, फोटोशॉप में जाने के बाद उसके अंदर फोल्डर पड़ा होगा प्लग्स के नाम से, आपने इसको ओपन करना है। और यहाँ पे हमारे जो प्लग्स हैं इंस्टॉल हैं जो हमने खुद इंस्टॉल किए हैं वो वाले हैं यहाँ पे। और इधर हमने राइट क्लिक करके यहाँ पे वही जो प्लग हमने इमेजिनो मैजिक का जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखें वही वाला फोल्डर यहाँ पे आ गया, ये इसमें तीनों प्लग्स आ गए हमारे पास। तो इसको हमने अब चेक करना है कि क्या ये वाकई में वहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम इसको बंद कर देते हैं, इसको हमने फ़ोटोशॉप के प्लग्स में इंस्टॉल कर दिया है। तो अब हम फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी प्लग वगैरह शो ना हो रहा हो तो आपको उसको 86 वाले फोल्डर से कॉपी करके अकेला प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके प्लग्स के अंदर कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िल्टर में जाना है, फ़िल्टर में जाने के बाद ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इमेजिनो मैजिक का। तो ये आप इस तरह से, अगर कोई भी फ़िल्टर आपका जो प्लग ना चल रहा हो तो इस तरह से आप करके इसको यूज़ में कर सकते हैं। तो प्लग वाले फोल्डर में होगा तो वो यहाँ पे शो होगा, वरना नहीं होगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक, मैं सिर्फ चेक करवा रहा हूँ आपको कि वाकई में काम करते हैं ये वही वाले हैं। हम यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। ये देखें तो आप ये भी अच्छे हैं, यानी कि बहुत अच्छे हैं ये भी।
आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले स्क्रीन इस तरह थी, बाद में इस तरह। उसके बाद आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी इसको वो कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, या इस तरह के बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हैं। इस पे आपने ये ध्यान रखना है कि आप जूस पे क्लिक करते जा रहे हैं वो आपका फ़िल्टर अप्लाई होता जा रहा है, ये बाद में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये रीसेट का, इस यहाँ से आप वापस आ सकते हैं एक एक करके और अपना चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने करना है कि यहाँ से सिलेक्ट करके सिर्फ एक ही वही फ़िल्टर चूज़ करना है जो आपने लगाना हो, उसके बाद वापस आप यहाँ से जाएंगे अगर वो फ़िल्टर अच्छा नहीं है। जैसे कि मैं सारे फ़िल्टर वापस कर देता हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए ये हाई पास वाला है, सिर्फ ये देखिए, सिर्फ ये जो है दाने वगैरह ख़त्म कर दिए और मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ये देखें यहाँ पे कितनी अच्छे से उसने बिल्कुल स्मूथ स्किन कर दी। तो ये भी तीनों इसी काम के हैं, मैंने सिर्फ आपको इसमें इंस्टॉल करना बताना था। इसको डिटेल में वीडियो लहदा से बनेगी वो इस वीडियो के बाद। तो यही था आज का हमारा टॉपिक है, आपने इनको इंस्टॉल कैसे करना है और इसको यूज़ करना है। मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, इसकी वीडियो भी बहुत जल्द बनाऊंगा फ़ोटो की, के फ़ोटोज़ को एडिट कैसे करते हैं, नई नई फ़ोटो हम नए नए डिज़ाइन से बनाएंगे। तो बहरहाल इसमें आज यही था हमारा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।